தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக பரமேஸ்வரகே பவித்திர நாமக்கு ஸ்துதி ஹோ மிகுந்த மனமகிழ்ச்சியான ஒரு நாளாய் இது நமக்கு காணப்படுகிறது ये बहुत एक हर्षित दिन है हमारे लिए இந்த நாளிலே மனுமக்கள் தங்களுடைய மனசு மாம்சம் விரும்பின பிரகாரம் இந்த உலகத்திலே குடித்து வெறித்து நேரங்களை வீணாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இஸ் சமயப்ப ஹம் देखते कि दुनियादार के लोग खा पीकर और अपने मन के हिसाब से वो जिंदगी बिताते हैं वानत्तिन भूमियुम समुद्रत्तिन उलगत्तिल अत्तनैयुम सृष्टित्त देवनागिय कर्तरै परंतु हम जो परमेश्वर के लोग जो आकाश और पृथ्वी जो बनाया हुआ परमेश्वर को दंडवत करने के लिए हम आए हुए हैं केवल दंडवत देने के लिए ही नहीं पर परंतु परमेश्वर ने जो भी हमें आशीष दिया है वो देखकर वो सोचकर धन्यवाद देने के लिए हम आए हुए हैं केवल वो नहीं और आज परमेश्वर परमेश्वर के समूह पर मेरे लिए परमेश्वर क्या बोलने वाला है मैं क्या परमेश्वर के समूह में मैं पाने वाला हूँ उंडाको ये मेरे जिंदगी में क्या बदलाव ले आई वाले और मेरे जिंदगी पर मैं क्या लेवल पहुंचूंगा अदर இந்த வேத வசனம் என்னோட கூட என்ன பேச போகிறது इसके लिए इस जो शास्त्र वचन मेरे साथ क्या बात करने वाले हैं என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு ये जानने के लिए மிகுந்த தாகத்தோடு கூட நாம் காணப்பட வேண்டும் बहुत प्यास से हमें रहना है வெளிப்படுத்தல் 21 ஆம் அதிகாரம் प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 17वां वचनते ஒருவர் வாசிக்கலாம் 17वां वचन को कोई पढ़ सकते हैं सर 7वां वचनते வாசிக்கலாம் 7वां वचन को कोई पढ़ सकते हैं 21वां அதிகாரம் 7वां वचनம் 21वां अध्याय 7वां वचन प्रकाशित वाक्य परमेश्वर के पवित्र नाम को स्तुति हो जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा नान अवन देवना इरुपेन मैं उसका परमेश्वर अवन एन कुमारना इरुपा और वो मेरा पुत्र होगा एन कुमारतिगला इरुपार है मेरी पुत्री के समान यार एंजाल कौन जयंगोलगरवर्गिन जो जीत पाए இந்த உலக வாழ்க்கையிலே இஸ் जिंदगी में दुनियादार जिंदगी में தேவனுடைய கிருபையை நாம் பெற்றுக்கொண்டு परमेश्वर की कृपा और करुणा पाकर எல்லாவற்றிலும் ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் என்று நம்முடைய ஆண்டவர் விரும்புகிறார் सभी कार्य पर जीत पाना है कर परमेश्वर चाहते हैं ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் जो जीत पाता है எல்லாவற்றையும் சுதந்தரித்து கொள்ளுவான் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது वो सब कुछ हासिल करता है सब कुछ पा लेता है करके लिखा गया तो ஓட்ட பந்தயத்தில் ஓடுறவங்களை பாருங்க जो देखो हम देखते हैं कि जो दौड़ते हैं रेस में அந்த பந்தயத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும்னு எவ்வளவு ட்ரெய்னிங் எடுத்துட்டு வர்றாங்க और उसमें जीतने के लिए कितनी ट्रेनिंग ले आते हैं அந்த கிரவுண்ட்ல வந்தா சும்மா நிக்க மாட்டாங்க और वो ग्राउंड पर आएगा तो भी वो शांत नहीं रहते पापांगे और वो उसके लिए अपने शरीर को तैयार करते हैं और वो दौड़ने के लिए अपने आप को वो तैयार करते हैं फर्स्ट प्राइज பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக முழுவதுமாக ரொம்ப கவனமாக இருப்பார்கள் और क्योंकि भागकर दौड़कर वो पहला जो है प्राइस पाना है करकर वो निरंतर उसके लिए प्रयास उठाते हैं अपनी पटवे पेट्रू को नाम पार्क रहा और उस तरह के लोग को भी हम देखते हैं नाम जयंग आंडवर चल रहा हम भी जीत पाने के ओर से हमें रहना है करकर परमेश्वर कहते हैं क्रिस्तो वाल के नाम जयंग इस जो मसीह जिंदगी है जो जीत पाने के लिए जी हुई जिंदगी हमारे कतरा ये जयंग देवना परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ जीता हुआ परमेश्वर है उसको विश्वास कर ग्रहण कर जो उनके संतान हुए हाँ। उनको जिस तरह जानना है वैसे जान लेंगे हमारे जिंदगी पर भी हम हर एक कार्य पर जीत पाएंगे करके शास्त्र कहती है जो जीत पाते हैं वो सभी वस्तुओं का वारिस होते हैं जब जीत पाते हैं நான் அவருடைய தேவனாய் இருப்பேன் மே உன்கா பரமேஸ்வர் ஹோகா அவன் என்னுடைய குமாரனாய் இருப்பான் வோ மேரா புத்திர ஹோகா அவள் என்னுடைய குமாரத்தியாய் இருப்பாள் வோ மேரி புத்ரி ஹோகி என்ன அருமையான வசனம்
कितना एक अच्छा वचन है देखिए और नम्मुडे तंदैयायिरुपार वो हमारा पिता है नाम अवरुडे पिळ्ळैगळायिरुप्पोम हम उनके संतान है नाम एल्लावत्तैयुम सुयंदरित्तु कोळ्ळुवोम हम सब कुछ पाने के लिए अप्पडियानल वाळ्क्कैयिल वरगन नमक्कु वरवेंडिय एंद ओरु आशीर्वादम नाम विट्टुविड माट्टोम एंदु सोल्लप्पट्टुळ्ळदु तो इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी पर जो भी आशीष आती है वो हम नहीं छोड़ेंगे नमक्काग एन्नेन्न आशीर्वादंगळ वैक्कप्पट्टिरुक्किरदो अत्तने आशीर्वादम पेट्टुक्कोळ्ळोम एंदु वेदम सोल्लुगिरदु हमारे लिए जो भी आशीष रखी गई है वो सारे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ हर एक आशीष को पाने के लिए यार जयं कोल्लुगिरार्गलो कौन जीत पाता है क्रिस्तो वाळ्क्कैयिल यार जयं कोल्लुगिरार्गलो और इस जो मसीहा जिंदगी पर कौन जीत पाता वेद वसनते केट तंगुले वाळ्क्कैयिल यार जयं कोल्लुगिरार्गलो वचन को सुनकर अपने जो हृदय पर रखकर जो जीत पाते हैं इस दुनिया पर वो सौ गुना पाएंगे करके लिखा गया है दुनिया पर वो सौ गुना आशीष पाएंगे करके लिखा मरमेलो मिघवम बेदान आशीर्वादंगले पेरुवार्गे स्वर्ग पर भी बहुत आशीष पाएंगे करके लिखा गया देवनुक्कु प्रियमाग नम जीवितल मात्रम पोदुम परमेश्वर के प्रिय काफी जिएंगे तो काफी है नम्मुडे वाळ्क्कैयिल अवरे एल्ला कार्यंगळुम विश्वासिताल पोदुम हमारे जिंदगी पर हर एक कार्य पर हम उन्हें विश्वास करेंगे तो काफी है नम्मुडे देवनाल कूडाद कार्यम एदुवुमे किडैयादु हमारे परमेश्वर से ना होने वाला कार्य कोई भी नहीं नान नाने कर्तर मैं ही परमेश्वर एन्नाल सेय्यकूडाद अतिशयमान कार्य ओन्रु उंडो एन्रु केळ्किरार और वो पूछता है कि क्या ऐसा कुछ कार्य है जो मेरे से आश्चर्यकारी जो मेरे से ना हो सकेगा நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைய தேவைகள் இருக்கிறது हमारे जिंदगी में बहुत सारी जरूरत है அப்ப ஆண்டவர் வசனத்தை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் तो जब हमें परमेश्वर की वचन की ओर ताक कर देखें ஆண்டவர் இது சொல்லி இருக்கிறரே ஏ परमेश्वर आपने कहा நான் நானே கர்த்தரென்று சொல்லி இருக்கிறரே मैं ही परमेश्वर करके तुमने कहा है என்னால் செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்று உண்டோ என்று வேற கேட்டிருக்கிறரே मेरे से क्या हो ना होने वाला कोई आश्चर्य काम है ऐसा करके आपने पूछा है प्रभु என்னோட அவிசுவாசம் நீங்கி போகட்டும் मेरी अविश्वास हटने दो நான் எல்லாவற்றிலும் விசுவாசிக்க मैं हर एक कार्य पर आपको विश्वास करूंगा द्वारा सौ आशीष में पाऊंगा कर यहाँ पर लिखा गया है தேவனுக்காக நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற பொழுது பரமேஸ்வருக்கே ஜெப துனியா பர் ஜீதே ஹே ஆ தேவன் எழுதி வைத்திருக்க அத்தனை ஆசீர்வாதங்களும் பெற்றுக்கொள்ளுவோம் பரமேஸ்வர் லிகா ஹுவா சாரே ஆசிஷே பாயேங்கே வேத வசனத்தின்படி ஜீவிக்காமல் சில காரியங்களை விட்டு விடுவோமானால் ஆர் சாஸ்திர கே அனுசார் அகர் ஹம் நா ஜீகர் குச் காரியே சோட் தேங்கே சில ஆசீர்வாதங்களை மே விட்டு விலகி போய் விடும் குச் ஆசிஷே ஹம் சே தூர் சலே ஜாயே தேவன் எல்லாவற்றையும் சரியாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் பரமேஸ்வர் சப் குச் சஹி லிக்கர் ரகா ஹே நாம் அப்படி வாழ்கின்ற பொழுது जब हम ऐसा जिएंगे கிறிஸ்துனுடைய விருப்பத்தின்படி ஜீவிக்க நம்மை ஒப்புக்கொடுக்கின்ற பொழுது और मसीह के जो जो इच्छा के अनुसार जीने के लिए जब हम अपने आप को सौंपेंगे எந்த காரியமானாலும் கர்த்தருடைய சித்தம் செய்ய நம்மை ஒப்புக்கொடுக்கின்ற பொழுது जो भी कार्य हो परमेश्वर का इच्छा पूरा होने के अनुसार हम सौंपेंगे तो அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற தேவன் और जो है कि अंधकार में देखने वाला परमेश्वर நம்மை வெளியரங்கமாய் ஆசீர்வாது உயர்த்துவார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது हमें खुल्लम खुल्ला आशीष करेगा करके शास्त्र कहती है இப்போ நம்ம எவைகளெல்லாம் சுதந்திரத்தை எல்லாவற்றையும் और शास्त्र में हम देखे कि वो सब कुछ ग्रहण करेगा पा लेगा करके लिखा है जो जय पाएगा वो इसका वारिश बनेगा अगर आप जय नहीं पाए तो वे आप प्राप्त नहीं कर सकते ये बहुत ध्यान से सुनिए और अगर हम जीत पाएंगे तो हम क्या क्या पाएंगे வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் प्रकाशित वाक्य 2:7 को पढ़े இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே दूसरा अध्याय सातवां वचन पर ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறே காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் और यहाँ पे लिखा कि जिसके कान है वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है நம்ம எல்லாரும் காது இருக்கா இல்லையா हम सबको कान है या नहीं ஆனா ஆண்டவங்க எழுதி வச்சிருக்க காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் எல்லாரும் காதோட தான் வந்திருந்திருப்பாங்க இல்லையா और ये देखो यहाँ पर परमेश्वर लिखा कि जिसके पास कान है वह सुनेगा அங்க சொல்லும்போது காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் और वो बोला कि जिसके पास कान है वह सुनेगा அப்ப காது இருக்குங்கறது ஆண்டவர் தேரான கவனமாய் கேட்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் देखो परमेश्वर को तो पता है कि सबके पास कान है परंतु ध्यान से सुनना है ये परमेश्वर चाहते हैं ஜெயங்குள்ளவன் எவனோ जो जीत पाता है அவனுக்கு தேவனுடைய பரதேசின் மத்தியில் இருக்கிற ஜீவவிருட்சத்தை
दिन कनिए पुसी के कोड़ पे नंदा आंडा और चोल गया और उसको जो परमेश्वर के स्वर्ग लोग में जो है पेड़ उसके फल को वो खिलाएंगे करके लिखा गया नाम रक्षी के पटर करो उद्धार पाए परलो तू पोवो स्वर्ग जाएंगे अंगे इधर जला ना अनुभव इपो में नाम नंदा के तेरे तो खोला देंगे वहां जाकर हम क्या क्या अनुभव करेंगे करकर हमें अच्छे रीति से जानना है अब क्रिस्तो वाल के लिए जय मुंडाल मात्र रमदान जो मसीह जिंदगी पर अगर जीत पाए तो अंगे परदेश मध्य लगे जीव वृत्ति कनिये नाम पुसी के मुड़ी में एकदम चल रहा है वहां पर स्वर्ग लोगों के बीच में जो भी फल है वो खा पाएंगे करकर हम देखते हैं अदे रंडा मरिगर पद नीला वसन देवासी के दूसरा अध्याय 17 वचन को देखे जीव विरचितन कन्या पुसिपान और हमने जो पहले वचन पर देखा कि जो जीत पाता है वह जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक का जो पेड़ लगा हुआ है उसका फल चकेगा नाम पार करो दूसरी कार्य देखते हैं जयंगवन और यहाँ पर लिखा कि जो जीत पाने वाला मरण तेल दूसरी मृत्यु से उसको हानि नहीं पहुंचेगी मुदल मरण तेल नाम रक्षी के पट रख अब देखो जो पहली मृत्यु से हम जो है उद्धार पाए यार जयंगो जो जीत पाता है अवगल इंडा मरण तेल अवगल सेदपड़ी वो उसकी जो दूसरी जो मृत्यु होगी उससे हानि ना पहुंचे रक्षी के पट पर मन बोल जीवित मुड़िया उद्धार पाने के बाद हम मन के अनुसार जी नहीं सकते अगर वैसा रहेंगे तो हम परमेश्वर के आशीष को पा नहीं सकते स्वर्ग के जो है भलाई को पाना है नाम जयंगुंडवरले काणपड़ जीत पाना है दूसरा अध्याय 17 को पढ़ सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है अगर हम स्वर्ग जाएंगे तो ये सब चीज वहाँ पर रखा गया जीत पाए तो मरेवान मन्ना में नमक पुसी के कोड़पार गुप्त मन्ना से वो परमेश्वर हमें तृप्त करेगा कुरिकले नमक तरवा श्वेत जो है पत्थर भी देख देगा कलील में एल उस पत्थर पर लिखा होगा यार पेटो जो पाएगा वासी वो ही वो पढ़कर समझ सकते हैं अरिंदे नाम उनको एक नया नाम दिया जाएगा और नाम को उनके सिवाय कोई नहीं जान सकेगा तो कितना ध्यान से रहना है एपड़ी जीवित कूड़ा कैसे भी जिएंगे कैसे भी स्वर्ग पहुंच जाएंगे कर वैसा नहीं रहना है नमक परलो पेदान पोकिशन स्वर्ग पर बहुतायत अपने को जो है कि हम देखते हैं कि हमारे लिए जो ये रखी गई है वेलीपड़ इंडम अधिकार और जो है प्रकाशवात वाक्य दूसरा अध्याय 26 वचन दे वासी गेला और यहाँ पे की 26 जो वचन को पढ़ सकते हैं ஜெயங்கொண்டு முடிவு பெரியந்தோ என் கிரியைகளையும் என் கை கொள்ளுவன் எவனோ என் கிரியைகளை கை கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு நான் என் பிதாவினிடத்தில் அதிகாரம் பெற்றது போல ஜாதிகள் மேல் அதிகாரம் கொடுப்பேன் ஜாதிகள் மேல் அதிகாரம் கொடுப்பேன் ஒரு யாம்ப லிக்கா ஹுவா ஜோ ஜெய பாயே ஆர் மேரே காமோ கே அனுசார் அந்த தக் கர்த்தா ரஹே मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा अवन इरुपुगोलाल अवर्गले आलवान और यहाँ पर लिखा है लोहे का राजदंड लिए हुए वो उन पर राज्य करे अवर्गल मनमानंगले पोल नुरुकपड़वारगे और वो कुम्हार की मिट्टी के बर्तन के जैसा चुकना चूर होंगे विडिवली नक्षत्रतियों अवन कोड़पेन और मैं देखता हूँ कि उसको भोर का तारा भी मैं दूंगा परलोत बंब संतोषमा अगर आप स्वर्ग जाए और आपको ये सब चीजें दिए जाए तो कितनी संतुष्ट होगी इवे वृंब ये पाना है ये आप लोग चाहते हो या ना चाहते हो
கண்டிப்பாக விரும்ப வேண்டும் ஜரூர் இசை சானா ஹே ஆ பரலோகத்து போம்போது நீங்க இதெல்லாம் நீங்க வேதத்தை வாசித்தீங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ये सब आपने शास्त्र पे पढ़ा या नहीं मुझे पता नहीं யாரல இந்த வந்து இந்த வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தை நீங்க வாசித்திருக்கீங்க कौन कौन ये प्रकाशित वाक्य के ரீசன்ட்டா வாசித்தவங்க யாரெல்லாம் अभी जो रीसेंट किसने पढ़ा है ரீசன்ட்டா வாசனா ஒரு ஆளும் கை தூக்கல ரீசன்ட்டா யார் வாசிதீங்க எல்லாம் எழுதிருக்கு நமக்குள்ள ஆசீர்வாதங்களே நமக்கு வச்சிருக்க ஆசீர்வாதம் நமக்கு எங்க இருக்குன்னு நமக்கு தெரிய மாட்டாங்க और हमारे लिए आशीष कहाँ रखा है ये हमें जानना है अगर देखो गांव जाना है अगर समझो खेत पर जाके खड़े वो बोला कि ये तुम्हारा खेत है तो कितनी खुशी होगी क्या आपको पता नहीं है अगर समझो आपको बोला गया आपको पता नहीं आपका खेत है आपके मूल पिता का खेत है और कोई और इस पे काम कर रहा है कर चलिए वज्र बरन चुमर पमा क्या हम छोड़ देंगे रख लो करके थोड़ा रुम अलग रखे देखो खेत बहुत अच्छा है मन वाला खुले पोट रख रहे बहुत सारा हम देखते कि फल फूल है वहां पर हाँ तेन मर एरा तेंगा का नारियल की झाड़ है और वो भी बहुत सारी थोड़ा रुम सलीपा रख रहे और देखो वो बहुत अच्छी जो एक खेत है चले हम पर्व मन अच्छी पोट में चल लो क्या उसको वहां पर काम करने तो करके हम देके जाएंगे आवंट पे पैसों हम वो तुक डाल सारी उससे बात करेंगे वो मान लिया तो सही हेलो उड़ने पे पत्र देड़ तो पारते अधिकम कली पड़े पुलिस கம்ப்ளைமெண்ட் தி உள்ள போட்டு நம்ம தோட்டத்துல நம்ம இருப்போம் अगर हम क्या करेंगे उसका जो हमें कि उसका जो डॉक्यूमेंट लेकर हम चेक करेंगे और उसे समझाएं नहीं सुना तो फिर हम वो केस भी दर्ज कर देंगे நமக்குள்ளே தெரிந்து விட்டது हमारा है ये पता चल गया हम सौंदर्यம் விட்டு விடுவோமா क्या हम उसे छोड़ देंगे இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது इससे क्या पता चलता है நம்பி விட்டால் நமக்கு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணி விடுகிறார்கள் देखो भरोसा कर लिए तो भरोसा का जो घात कर लेते हैं लोग हां कुंजनाद என்ன என்று பார்க்காமல் இருந்து விட்டால் இன்னொருவர் கொண்டு போய் விடுகிறார்கள் कुछ दिन तक अगर हमने उसे नहीं देखा तो वो कोई दूसरा आकर उसे उठा ले चलता है वेद வசனத்திலே முந்தினோர் பிந்தினோராய் பிந்தினோர் முந்தினோராய் மார்வாள் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது சாஸ்திர பலிகா गए जो पहले है वो पीछे हो जाते जो पीछे है वो पहले हो जाते करके लिखा गया அந்த காலத்திலே सभी लोगों ने सभी बेटे எல்லாமே தெரியும் और कोई बोलते कि मैं उस दिन से कलिशा पर मुझे कलिशा के बारे में सब कुछ पता है प्रसंग बहुत सारे जो है संदेश सुना चलिक हम ऐसा कह सकते हैं वेद वचन नमक उल्लाई जीवित आशीर्वाद और ये वचन हमारे अंदर जाकर वो आशीष अगर पाप नहीं अगर प्राप्त कर सकी आलय अभी जो नए जो कोई कलिशा पर आया होगा मिगम गवन वेद वचन से केट पारे ध्यान से सुनते रहेंगे जब मंडवारे वो प्रार्थना करेंगे आराय और वचन को ध्यान पालेंगे और प्रकाशित और वो है कि प्रकाश में होंगे मिंदिनोर पिंदिनोर आई पोई उड़वारे पहले वो पीछे हो जाएंगे मिंदिनोर मिंदिनोर आई मारे उड़वारे पीछे वो पहले हो जाएंगे अपना ये बोला गवर्नर मार के बैंडा और देखो कितना ध्यान से रहना है आराधन के अंदर अलग कई तरह के पारल पारेंगे इसलिए जब आराधना पर आएंगे तो अच्छे से ताली बजा कर गीत गाओ आवीले निरंबी आवियनोड़ शेर आंडवरे आराधेंगे आत्मा से भर कर पवित्र आत्मा के साथ तुम पर आराधना पर और एक साथ उसके साथ आराधना परमेश्वर की सामर्थ पालो ये आपको कहा जाता है नाम आविले निरंबी मारी नाम मारा आत्मा में भर कर पवित्र आत्मा के साथ हमें बढ़ना है नाम इंगे वासी यहाँ पर हम पढ़ते हैं जय पाकर जो अंत तक जो मेरे कामों के अनुसार करता है अंत तक वो स्थिर रहता है वो उद्धार आज चलो कलिशा पर आ जाए कल हम नहीं आएंगे आज इस सत्य को ग्रहण करें कल नहीं करेंगे ऐसा नहीं रहना है आशीर्वाद निरंतर आशीष को पाना है देवे कृपे वलर वो परमेश्वर की कृपा करुणा मुड़ी क्रिया कई कोल अंत तक जो मेरे वचन के अनुसार चले नान पिता अधिकार पिता से जो अधिकार पाया जाति के मेल उनका अधिकार कोड़पे जाति जाति पर उनको अधिकार दूंगा ऑफिस वाला पता है गवनमा रख रहा अगर ऑफिस में अगर हम काम करेंगे तो कितने ध्यान से रहेंगे परफॉर्मेंस अगर देखो परफॉर्मेंस करके रखा है परफॉर्मेंस नल्ल मुरल मुड़ते विटाल अच्छे से अगर परफॉर्म किया होगा स्पेशल बोनस कोड़पारगे आपको बोनस देंगे प्रमोशन कोड़पारगे प्रमोशन देंगे और पेरे संबल उयर हाइक कोड़पारगे और तुम्हें तनख्वाह की बढ़त मिलेगी अपड़ी तान नमड़े वेदतिल कानपड़गर कार्यंगलुम इरुक्किरदु शास्त्र पर भी इसी तरह का है
अगर आप प्रयास उठाकर परमेश्वर के काम पर आगे बढ़ोगे कार्य नाम से कवन कई परमेश्वर की जो कार्य के लिए कान सुनकर उसके अनुसार ध्यान से चले अब सकल आशीर्वाद वेदम सारी आशीष को पाएंगे कर शास्त्र पर लिखी गई है वेपड़ मूंम अधिकार प्रकाशित वाक्य तीन वचन वासी वचन को जयंगो जयंगर जो जय पाए वो इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहना रह जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से न काटूंगा पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्ग दूतों के सामने मान लूंगा नाम रक्षिक्कप्पट्टोम अप्पोळुधु नम्मुडैय पेर जीव पुस्तकत्तिल एळुधप्पट्टिरुक्किरार जब हम उद्धार पाए हैं तब हमारा नाम जो है जीवित जो जीवन का जो पुस्तक है उस पर लिखा गया है इदु नम्म एल्लारुक्कुम तेरियुमा तेरियादा ये हम सबको पता है या नहीं पता है नम्म एल्लारुक्कुम तेरियुम ये हम सबको पता है नम्मुडैय पेर जीव पुस्तकत्तिल एळुधप्पट्टिरुक्किरादु हमारे नाम जो जीवन के पुस्तक पर लिखा गया है क्रिस्तु वाळ्क्कैयिल इरुक्किर नाम जयंगोंडवर्गळाय काणप्पड वेंडुम अगर जो है मसीह जिंदगी पर जो हम जो बिताने वाले जीत का जो जिंदगी जीना है हां रक्षिक्कप्पट्ट पिन्बु मनम पोल जीविक्कलन्नु पापत्तिल पोयिडकूडादु अगर उद्धार पाए कर हमारे मन के अनुसार जीकर पाप के अंदर नहीं गिरना है वेद शास्त्र पर क्या लिखा है दुन्मार्गर तांगल सेगिर क्रियल गेट तंडने शीघ्र वरादपडीनाले और जो दुष्ट इंसान अपने जो दंड के प्रतिफल जल से ना पाएंगे उसके अनुसार पावत के तंडने उड़ने उड़ने वराद दीनाले और उनकी जो दंड की जो प्रतिफल जल्दी नहीं आती है इसीलिए कोलुप्पा काना पड़ वेद जो उनका हृदय कठोर हो जाता है करके लिखा है कृपेन कालांगरले तपित पोय कोंडिरुक्रोम ये करुणा का समय है करकर हम ऐसे बचकर निकलते हैं इपुलुदे अवर रक्षकराय वंदिरुक्रार अब वो उद्धारकर्ता आया है अडुत्तलोर जज्जियादा वरुवार उसके बाद वो है कि वो न्याय के समान आएगा जज्जे वर्गंद पोलुदे उंगल विन्नपम एट्टुकोल्लपड माटादु और वो जब न्याय के ओर से आएगा तब आपकी जो विनती को माना नहीं जाएगा अवर जज्जिले जजमेंटले एन्ना अरिविक्कणुम अद मट्टुम अरिविप्पार्गल न्याय के समय पर क्या बोलना है न्याय देना है वही न्याय दिया जाएगा कोर्ट में केस இருந்தால் अब देखो कोर्ट पर केस है இரண்டு பக்கத்தும் லாயர்கள் அதற்காக வாதாடுவார்கள் दोनों साइड पर लॉयर उसके लिए लड़ेंगे நீ பேப்பர்ல படித்திருப்பீர்கள் आपने पेपर में पढ़ा होगा அது முடிஞ்ச உடனே அன்னைக்கே வந்து அவங்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்க போறாங்கல அறிவிக்க மாட்டாங்க और उसी दिन वो उनको क्या दंड देना है वो नहीं बोला जाएगा हां सोन सोन डेटले இவங்களுக்கு தண்டனை அறிவிக்கப்படும் என்று போட்டு விடுவார்கள் और ये फलाना फलाना दिन पर उनको दंड दिया जाएगा उसके बारे में चेतावनी दी जाएगी कर कात कहते हैं आने के बाद पेपर के यावरण रंभ कड़मिया रखा उस दिन देखो पेपर का बहुत ज्यादा सेल होता है इतने वर्षों उल्ला केस के इन्ना दंडने इन्ना रख पत्तू वेर पड़ चुके इन्ना दंडने कोड़ को पोकर आ रखे लोग को पकड़ा हुआ है इतने साल का केस को आज क्या दंड उनको देना जाने वाला कर वो सोचेंगे आने की पर ये उनमया पोईया इपड़ताला नहीं है अंग वाद आड़ा मुड़िया उस दिन जाकर ये सच है या गलत है कर आप जाकर वहां पर लड़ाई नहीं करोगे अंदर ही उंगल दंडने मात्र अरिक पड़ो उस दिन केवल दंड करके जो है वो तुम्हें चेतावनी दिया जाएगा मरण दंडनाई इतनों को है कि मृत्यु का दंड इतने वेर का आयु दंडनाई इतनों को जो है कि वो पूरे दिन मतलब साल भर उनको जेल में रहना दंड इतने वेर की इतने वर्षंगल कड़ों दंडनाई इतने लोग को इतने दिन के लिए कठोर दंड निरूपी के पड़ेगा विदले पड़वार कुछ लोग जो है कि उनके जो जो उन्होंने काम किया वो हमें हम देखते हैं कि उनको मतलब हम उनको छोड़ देते हैं इधर बोला के लिए देवना कर्तर वैद्य दोष और ये सब है कि ये दुनिया पर हम देखते हैं नम्मे लोरुकुम नंदाग तेरियुम ये हमें सबको पता है इधर तेरिंद पोरु नाम रोम कवनम इल्लामल इरुक्क कूडादु ये पता होने के बाद भी हमें ऐसे ही हमें मतलब ध्यान से रहना है जो जय पाता है उनके वेण वस्त्र तरीपी के पड़ो सफेद श्वेत वस्त्र उसको पहनाया जाए जीव पुस्तक पेरे क्रीकि पोडामल और जीवन के पुस्तक से उसके नाम को मैं नहीं काटूंगा और कार्य नमक क्या पता चलता है रचिकपट्ट पिन्बु देवरुक्कु प्रियमल्लामल पावत्तिले पोय विट्टोमानाल अगर समझो उद्धार पाने के बाद अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार न जीकर पाप में गिर पड़े अपड़ी पट्टवुल्ले पेरे
जीव पुस्तक किरक पड़ुमेंद्रुम इदरक अर्थम वरुगिरदु यहां पर यह भी लिखा गया है कि इसका मतलब यह है कि जीवन के पुस्तक से उसके नाम को काटा जाएगा ओर जयंगुंड क्रिस्तो वाळके वाळा वेंडुम एक जीत का जो है मसीह जिंदगी जीना है अपडी इल्ला बेटाल अपडी पट्टवल पेर जीव पुस्तक किरक पोडा पड़ुमेंद्रुम इदु सोल्लुगिरदु वैसा नहीं है तो जीवन के पुस्तक से उसके नाम को काटा जाएगा करकर लिखा गया अनल जयमुल्ला वाळके वाळदोमाना अगर जीत की जिंदगी जिए आ जीव पुस्तकोड नामते नान किरक पोडामल और उसके नाम को मैं नहीं काटूंगा यन पिता मुंबागवो मेरे पिता के सामने अवडे दूदर मुंबागवो स्वर्ग दूतों के सामने अवन नामतना अरिके पण्णुवे नंदिंगे एलपट्टुल्लार नाम को मैं मान लूंगा करके लिखा गया है வெளிப்படுத்தல் மூன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தையும் வாசிக்கிறேன் ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எவனோ ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனை என் தேவனுடைய ஆலயத்தில் தூணாக்குவேன் அவனை என் தேவனுடைய ஆலயத்திலே தூணாக்குவேன் அது நின்று அவன் ஒரு காலும் நீங்குவதில்லை என் தேவனுடைய நாமத்தையும் என் தேவனுடைய நாமத்தையும் என் தேவனால் பரலோகத்தில் இறங்கி வருகிற புதிய எருசலேமாகிய என் தேவனுடைய நகரத்தின் நாமத்தையும் வாசிங்க यहाँ पर लिखा गया जो जय पाए उसमें उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर का एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर के नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतर के आने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा जो जीत पाएगा वो परमेश्वर के जो भवन पर एक खंभा के समान खड़ा रहेगा करके लिखा है इपमे देवंडे आलयतिले तूणाग निर्क वेंडुम अभी ही परमेश्वर के मंदिर में हमें खंभे के समान खड़े रहना है ஒரு சில சகோதரர்கள் தூணாக நிற்கிறார்கள் இன்று कुछ भाइयों हम देखते हैं कि वो खंभे के समान खड़े रहते हैं அதற்கான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வார்கள் उसकी आशीषों पाएंगे देवंडे आलय வேலைகள் देवंडे कार्यम என்றால் முன்னின்று யார் செய்கிறார்களோ परमेश्वर का जो कार्य परमेश्वर की भवन के कार्य जो सामने खड़ा रहकर कहते करते हैं அவைகள் देवंडे नालाम पुस्तक और उनका नाम परमेश्वर की पुस्तक पर लिखा नाम वेले के जो भी काम परमेश्वर के लिए करते हैं मन नाम मन भावना के साथ करते नन परमेश्वर देखता है नमें देवन हमें जिस दुनिया पर जन्माया हुआ परमेश्वर है नमें वार्त को नमे देवन हमारा हमें बड़ा करने वाला भी हमारा परमेश्वर पड़पे अरीवे ज्ञान देवन हमारे लिए पढ़ाई अच्छा ज्ञान अच्छे कामकाज सब देने वाला परमेश्वर नल्ल संपादते कोडुत्तिरुक्किरवर देवन हमारे लिए अच्छा तनख्वाह देने वाला भी परमेश्वर है எல்லாமே தேவனுக்குரிய தானே सब कुछ परमेश्वर का है हमने आशीर्वाद उयर्त करोन देवन दान हमें आशीष करकर बढ़त देने वाला भी परमेश्वर उन्हें नान ये आशीर्वाद दे रहे मैं क्यों तुझे आशीष करूं उन्हें कहने बोलो मेरी चंबल दे दंद रख रहे और मेरे को मैं तेरे को इतना बड़ा जो तनख्वाह दिया नहीं है बोलो मेरी आशीर्वाद मिला ना इरक रहा तू इतना बड़ा आशीष पाया है नहीं मट्टन चापटे बोर का क्या तू सिर्फ खाने के लिए इले अरुमान अवगले तुझके ऐसा नहीं परमेश्वर आंडर नमक ஏராளமாய் தந்திருக்கிறார் என்றால் परमेश्वर ने हमें बहुत दिया है तो और ஊழியத்துக்காக ஏராளமாய் கொடுக்க வேண்டும் उसके जो सेवकाई के लिए बहुत आयत देना है अगर हम खा पीकर सब अपने लिए यहाँ पर बचा के रखे परमेश्वर के लिए कुछ किए तो जब हम स्वर्ग जाएंगे तब वहाँ पर हमारे लिए कुछ आएगा नहीं हमारे बेटा परमेश्वर ने स्पष्ट स्थिति से कहा है सिरग वेदेताल ने सिरगतन अरुपाय तू थोड़ा बोएगा तो थोड़ा काटेगा नी पेरग वेदेताल ने पेरग अरुपाय तू बहुत बोएगा तो बहुत आयत से काटेगा ये आंडोडे तंग वाक्यंगल ये परमेश्वर के से बोला हुआ कार्य है हां उन्नेदिल उल्लदिलंदु कोडदान आंडोर सोलुगरा मेरे पास जो है उससे दे निकाल कर उन्नेदे इल्लादे आंडोर केळकरदे इल्ले मेरे पास जो नहीं है उसे परमेश्वर नहीं मांगता आंडोन में पट नंदा कार्य इंद्रकरा परमेश्वर हमें जानता है हां अनुभव ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் रहना है मिनमेल आशीर्वाद उयर्तुवदर्के और भी आशीष करके बढ़ाने के लिए ஏராளமாய் கொடுத்தால் ஏராளமாய் வரும் நிறைய விதைத்தால் நிறைய அறுப்போம் பகுத்தாய்ச்ச देंगे तो बहुतायच से काटेंगे बहुत बोएंगे तो बहुत काटेंगे நீ நினைக்கல ஐயா என்ன இப்படி குடுக்க சொல்லுறார் நீங்க ஆசீர்வதிக்கணும்னா ஒரே வழி அதுதான் तुम कह सकते कि ஐயா हमेशा देने के लिए क्यों कहता है मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम दोगे तो आशीष पाओगे का शास्त्र कहती है कॉलगेट पेस्ट तेरी वो कॉलगेट जो पेस्ट कंपनी का जो फाउंडर के बारे में आपको पता है क्या नहीं और अपनी दशमा उठ पर तेरी माँ वो कैसा जो दशम देता है पता है आपको मौला 10% कोड़ता पहले 10% दिया 20 कोड़ता 20% 30% दिया 40% कोड़ता 40% दिया 50% कोड़ता 60% 60% कोड़ता 70% 70% कोड़ता 80% 80% कोड़ता
80% இப்போ 90% கொடுத்துட்டு இருக்கறார் அவர் 90% देता है வரக்கூடிய வருமானத்துல जो जितनी तनख्वाह आती है 900 கோடி வருகிறது और हजारों करोड़ों के साथ ஆண்டருக்கு 90% கொடுத்து மீதி 10% அவருக்கு ஏராளமான கோடி கோடியா இருக்கிறார் और 90% परमेश्वर को देता है और 10% उसके लिए बहुत काफी है கர்த்தர் கொடுத்து பெற்று கொண்டவர்களுக்கு தான் அந்த அனுபவம் இருக்கும் जो परमेश्वर को देकर आशीष पाए केवल उसी को पता है நீ ஒன்று இழந்து போவே இல்லை तुम कुछ भी ना खो जाओगे எந்த மனநிலையில் நீங்கள் தேவன் ஆய கர்த்தருக்கு செய்கிறீர்கள் ऐसे मन के स्थिति से तुम परमेश्वर के लिए करते हो கட்டாயமாக அல்ல என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது और तुम है कि मतलब तुम्हें जरूर देना है करकर वैसा नहीं அதேவுண்டே ஜனங்கள் இந்த காரியத்தை நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் परमेश्वर के लोग ये कार्य को अच्छी रीति से जानना है ஏனென்றால் अनेகரும் வீடு வாங்க முடியவில்லை இன்னொரு நல்ல வசதியில் இருக்க முடியவில்லை கஷ்டத்திலும் பல பிரச்சனையிலும் இருக்கிறீர்கள் बहुत सारे लोग घर नहीं ले पाए बहुत सारे कष्ट और नष्ट पर रहते हैं இதெல்லாம் ஏன் வருகிறது क्यों ऐसा बात है ஏன் இன்னும் நம்ம ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரத்து கொள்ள முடியவில்லை ஆசீஸ் கோம் नहीं पा सके अधिकार पर है सिरग विदेकरवन सिरग अरुपान जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा ये கொஞ்சம் கொடுத்தனா உனக்கு கொஞ்சம் கிடைக்கும் கண்டிப்பா கிடைக்கும் और तू थोड़ा तो देगा तो तुझे थोड़ा तो मिलेगा ही நிறைய கொடுத்தா உனக்கு நிறைய கிடைக்கும் ज्यादा देगा तो ज्यादा दिया जाएगा உங்களுக்கு நிறைய வேணும்னா நீங்க நிறைய கொடுங்க ज्यादा चाहिए तो ज्यादा दीजिए இது இயேசுவின் பாஸ்டர் சொல்லல ஆண்டவர் சொல்ல வார்த்தை தான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் நீ கேட்டோம் ये परमेश्वर ने कहा हुआ है अनेகர் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறீர்கள் बहुत सारे लोग आशीष नहीं पाए ஆனா சத்தியத்தை உங்களுக்கு விளக்கி நான் காண்பிக்க வேண்டும் சத்தியத்தை मैं सही रीति से लेकर तुम्हें बताना है சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான் थोड़ा जो बोता है थोड़ा का, 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 काटता है ஒரு ஏர் மாட்ட வச்சு உலுத்திட்டு ஒரு வந்து ஒரு ஏக்கர்ல விதைக்கணும் வச்சுக்கோங்களா அகர் தேக்கோ தும் एक बैल को लेकर एक एक एकर पे तुम अगर बोओगे அதுல வரக்கூடிய வருமானம் தான் உங்களுக்கு வரும் उसमें जितना आएगा वो तुम्हारे लिए तनख्वाह है ஒரு டிராக்டர் வச்சு 50 ஏக்கர் நீங்க அடிச்சு நீங்க நீங்க வந்து நீங்க பயிர் செய்து விட்டால் अगर एक ट्रैक्टर लेकर 50 ஏக்கர் अगर आपने बोया அளவில்லாம உங்களுக்கு வரும் और वो तुम्हें उतना आएगा இது ஆண்டோட வார்த்தையின் மீன் நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ये परमेश्वर का वचन है करके तुम्हें जान लेना है சிறுக விதைக்கிறவள் சிறுக அறுப்பார்கள் थोड़ा बोने वाला थोड़ा काटेगा பெருக விதைக்கிறவள் பெருக அறுப்பார்கள் बहुत ज्यादा बोने वाला ज्यादा काटेगा அடுத்த வசனத்தையும் பாருங்கள் अगला वचन को देखो அவனவன் விசனமாயும் அல்ல और वो ऐसा 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 कर कर नहीं கட்டாயமாயும் அல்ல और वो अपने इससे भी नहीं मतलब जरूरत से भी नहीं இப்போ சில காரியங்களை நம்ம வந்து நீங்க சபையில அறிவீங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த காணிக்கெல்லாம் வாங்கி கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு வைத்துக்கொள்ளுவோம் ஓகே சம்ஜோ கி அகர் பவன் பே தும்ஹே போலா ஜாதா ஹை கி சலோ ஜோ பி லோக் அகர் ஜோ பி இஸ்கே லியே ஜோ பி பேண்ட் தேதே உஸே லே ஆவோ இது நம்ம கட்டாய சட்டமா போடுதோம் क्या अगर हम क्या तुम जरूर दो कर कर कहते हैं क्या ओवरऑल कंडीपा इतना कुड़तरना चल दो क्या एक एक इंसान इतना देना कर कर हम कहते नहीं इल्ला अदांग एलिदर के दा अवन अवन विसनम आई मल्ले और वैसा है कि एक एक जन जो है कि वो ऐसा करके ना दे है कट्टाय माई मल्ले और वो अपने मन से दे और वो कुड़कुड़ा कर वैसा ना दे दबाव से ना दे तन मन दिल नियमित पड़ी है कुड़का कड़वन जैसा उसने मन में ठाना है वैसा दे परिपूर्ण आंद्रम उल्लतल पेशवर और जब भी हम चेतावनी देंगे तब यार मटारा पवित्र आत्मा तुम्हारे से बात करेगा या नहीं करेगा नहीं बोलो कुड़ चलवार पर पवित्र आत्मा बोलेगा इतना नम हृदय नम कठिन पड़ते परंतु हम अपने हृदय को कठोर कर कर अभी अवला कुड़कनो क्यों उतना देना है अभी इपड़ी चलवली पोदे क्या वो ऐसा खर्चा होना है इपड़ी चलवली पोदे वो ऐसा खर्चा होना है वेंडर का नहीं पैसे और ऐसा का कहानी बात कर चलन कुड़का में कोड़े रंद कुड़े करो कोई लोग देते नहीं है என்னோட एडवाइस என்ன என்றால் मैं क्या तुम्हें एडवाइस देता हूं कर्तर कंडल கண்ண மூடி கொண்டு கொடுங்க परमेश्वर के लिए आंख बंद कर कर दो हाँ पाक्तु पाराम निंगल कुड़ताल तुम आंख बंद कर कर दोगे अंदरंग पार कर देवन ओ अंधेरे पर देखने वाला परमेश्वर पार कर देवन तुम्हारे हर्ष को देखने वाला उनमें पार कर देवन आपकी सच्चाई को देखने वाला परमेश्वर का कुड़ कर पार कर देवन ओ तुम परमेश्वर के लिए देने वाले तुम और ये राला मैं वान तीन पलगनी के लिए तरंद उनको तरुम भरपूर वो स्वर्ग के जो भंडार को खोल कर देगा करके लिखा है கொடுக்கிறவர்கள் தேவனாய் கர்த்தர் பிரியமாய் இருக்கிறார் ஹர்ஷ் கே சாத் தேனே வாலே சே பரமேஸ்வர் பிரீதி ரக்தா ஹை இதே நான் இப்பொழுது சொல்லுகிறேன் என்றால் மே க்யூ கேட்டா ஹூ
ஒரு சிலர் கொடுக்காவிட்டால் இன்னொரு சிலர் ஆண்டவரை எழுப்புவார் அவர் குச்சலோக நீ தேங்க தோ குச்சலோக பரமேஸ்வர் இவர்கள் ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போவார்கள் அவர்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வார்கள் ஆசிஷ் கோயே கோ ஜாயங்க வோ ஆசிஷ் கோ பாயே இது கர்த்தருடைய ஊழியம் ஏ பரமேஸ்வர் கா சேவகா ஊழியத்திலே சரியா ஊழியம் செய்யப்பட்டால் ஆண்டவர் தூக்கி தூர போட்டுட்டு அடுத்த ஆள் நியமிச்சிருவார் ஆர் சேவகை மேபி சரி சே சேவகை நீங்க தோ உன்கோ ஹட்டாகர் பரமேஸ்வர் தூசரே கோ நியுக்த் கரேகா இது கர்த்தருடைய ஊழியம் ஏ பரமேஸ்வர் கா சேவகா கர்த்தர் யாரை கொண்டு எதையும் செய்ய முடியும் பரமேஸ்வர் கிசி கோ லேக்கர் குச் பி கர் சக்தா அந்த சான்ஸ் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் மோக்கா ஜப் ஹமே தியா ஜாதா ஹே எவ்வளவு தான் நம்ம ஆண்டவர் செய்யணுமோ அவ்வளவு அதிகமா செய்து அவ்வளவு அதிகமா பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஜித்னா ஹமே பரமேஸ்வர் கே ஹம் தே சக்தே உத்தா தேகர் உத்தனா பாலேனா இது ஏன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஓ பரமேஸ்வர் கே நீங்கள் மேலும் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூர்ணமுள்ளவர்களாக காணப்பட வேண்டுமா ஹர் ஏக் காரியம் பர் भरपूरी रीति से आप लोग आशीष पाना है வேலை இருக்கட்டும் வருமானமா இருக்கட்டும் சுகமா இருக்கட்டும் பலமா இருக்கட்டும் வீடு வசதியா இருக்கட்டும் என்ன இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் காஸ் ஹோ तुम्हारी घर हो तुम्हारी सेहत हो तुम्हारी तंदुरुस्त हो हर एक कार्य पर तुम्हें पाना है நீங்க சம்பூர்ண உள்ளவனா நீங்க ரொம்ப பரிபூர்ண உள்ளவனா இருக்க வேண்டும் இஸ்மே सभी में तुम्हें भरपूरी रीति से रहना है சகலவித நற்கிரியைகளிலும் பெருகவளாயும் இருக்க வேண்டும் நீங்க जो है कि भलाई कार्य पर भी तुम्हें बढ़त होना है தேவன் சகலவித கிருபையுள்ளதில் பெருகவும் செய்ய வேண்டும் सभी प्रकार की कृपा करुणा से परमेश्वर तुम्हें भरने के लिए அதற்கு அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார் वो सामर्थ्यदार है உங்களுக்கு அவர் அள்ளி அள்ளி கொட்டுவதற்கு ரெடியா இருக்கிறார் वो तुम्हें उठाकर भरकर आशीष देने के लिए तैयार ஆனால் நீங்கள் கொடுக்கணும் அதுல இருந்தான் அவர் செய்வோம் என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஓர் உன்னை கேக்க கி தும் தோ உஸ்கே அனுசார் துமே தியா ஜாயேகா அந்த கத்ரா ஏசர் சே பாபா அங்க பார்த்தால 4000 பேர் 5000 பேர் சாப்பாடு இல்லாம இருந்தார்கள் ஓர் ஹம் தேக்தே கி 4000 5000 லோக் खाने के बिना थे இவர்களை எப்படி பட்டியை அனுப்பி விட முடியும் इनको भूखा कैसा मैं भेजू இவர்களுக்கு உணவு கொடுங்க என்று சொன்னார் इनके लिए तुम खाना दो कर कर का இவர்களுக்கு உணவு கொடுக்க எங்கடத்தில் எங்க இருக்குது என்றார்கள் इतने लोग को खाने देने के लिए हमारे पास कहां है कर कर का உங்களிடத்தில் என்ன இருக்கு அதை கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னார் तुम्हारे पास जो है केवल वो लेके आओ कर कर कहा और பையனத்தில் ஐந்தப்பம் இரண்டு மீன்கள் கொண்டு வந்தார்கள் और वहां पे एक लड़के के पास पांच रोटी दो मच्छी था ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார் 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 5000 பேர் இது only ஆண்கள் மட்டும் பெண்கள் வந்து 10000 பணையவர் சாப்பிட்டு இருப்பார் और परमेश्वर ने आशीष की आशीष की आशीष के हम देते कि केवल पुरुष 5000 स्त्री 5000 और बच्चे भी और 5000 और भी लोग खाए होंगे ஒன்று சேதவாகமல் அவளுதி மீதி எல்லாம் நீங்க வந்து எல்லாம் வந்து கூடையில கலெக்ட் பண்ணுங்க என்று சொன்னார் और कोई भी चीज को तुम वेस्ट मत करो उसे तुम कटोरी पर उठाओ कर कर कहा इतना कोड़ नहीं रहता है इतना कटोरा उठाया हा? 12 12 कटोरा अंदर 12 कोड़ எங்க போய் இருந்திருக்கும் एक्चुअली ये 12 कटोरा कहां गया होगा पार्सल के போய் இருக்காது அது யார் அந்த 5 அப்பத்தை 2 மீனை கொடுத்தா வீட்டுக்கு அனுப்பினா ஆண்டவர் சொல்லி இருப்பார் और परमेश्वर ने क्या होगा जो 5 रोटी 2 मच्छी लेकर आ उसके घर भेजो कर कर कहा होगा அவன் எவ்வளவு கொடுத்தா वो कितना दिया 5 மீனும் 2 ரோட்டியும் पांच रोटी और दो मच्छी दिया उसने எல்லாருக்கும் பரிபூர்ண சாப்பாடு ஆன பின்போ सभी को भरपूरी खाना देने के बाद வீட்டுக்கு எவ்வளவு போச்சுது उसके घर पर कितना गया எவ்வளவு போச்சுது 12 கூட நிறைய போச்சு 12 टोकरी भरकर उसके घर पर वापस लौटा அஞ்சு அப்பம் 2 மீன் கொடுத்து 12 கூட நிறைய வாங்க சந்தோஷமா இருக்கா இல்லையா पांच रोटी दो मच्छी देकर 12 कटोरा लेकर गया ये आप देखते हैं ये बड़ा आशीष है या नहीं انا 12 கூட நிறைய வீட்டுக்கு வரும்போது சந்தோஷமா தான் இருக்கு 12 टोकरी भरकर घर आया तो संतुष्ट है அதுக்கு பெற்றுக்கொள்ள வழிய ஆண்டவர் சொல்லும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ये पाना है कि जब परमेश्वर कैसा करके कहते तब वो अपने को थोड़ा सा कठिन लगती है ஒரு நேரத்திலே தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அறிவித்து விட்டால் एक समय पर परमेश्वर के लोग को हमने बोला பெண்களா இருக்கட்டும் ஆண்களா இருக்கட்டும் और स्त्री हो या पुरुष எல்லாரும் மனம்போல எழுதுவார்கள் நான் இன்றைக்கு நான் சாட்சியாக சொல்லுகிறேன் देखो मैं आज भी गवाही करता हूं सब लोग अपने मन से लिखते हैं அட இன்ன அக்கி ஒரு சிலர் கொஞ்சம் மனம் கடினப்பட்டு இருக்கிறதா எனக்கு தெரிகிறது ஆவியானவர் ஏவரோ படினால இதை உங்களுக்கு சொல்லி விடுகிறேன் कुछ लोग का मन जो है कठिन है कठोर है बट मेरे को पवित्र आत्मा कहा है इसलिए मैं कहता हूं உங்களை ஆண்டவர் நிறைய ஆசீர்வதிக்க போகிறார் परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष करने वाला है கிட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் उसकी योजना भी बनाया है செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் உசே ஜோ ஹே சலா ரஹா ஹே தயசெய்து நீங்க அதை கெடுத்து விடாதீருங்க தூ முசே பிகாட மத் தோ உற்சாகமாய் கொடுத்தால் தேவனா கர்த்தர் பிரியமாய் இருக்கிறார் ஓர் ஹர்ஷ் கே சாத் தேனே வாலே பர் பரமேஸ்வர் பிரிய ஹே தேவன் உங்களுக்கு பிரியமாய் தான் உங்களுக்கு அளவில்லாம அள்ளி கொடுப்பார் ஓர் பரமேஸ்வர் தும் பர் பிரிய தோ தும்மே வோ ஹே கி அன்கினத் ஆஷிஷ் தேகா பம்பாய் கோரும்ப சாதாரண ஆட்கள தான் வந்தோம் ஓர் மும்பை பர் ஆயே ஹம் ஐசி ஆயே சாதாரண கர்த்தர் ஆசீர்வதி இருக்கிறார் வந்து ஆசீர்வதிக்கிறார் பரமேஸ்வர் ஆஷிஷ் கியா ஹே எல்லாரும் பார்த்தால் முதல்ல சின்ன வீடு பார்த்தா எல்லாம் கோடிக்கு மேல வீடுகள் வாங்க ஆண்டவர் கிருபை செய்து இருக்கிறார் அலே
को सब छोटा करते आप करोड़ों के अनुसार घर लेने के लिए परमेश्वर ने आशीष किया है और सभी को भी परमेश्वर संतोष बढ़ रहे मैं खुश होता हूँ संतोष परमेश्वर के लोगों ने घर लिया तो मुझे बहुत आनंद होती है सभी को परमेश्वर ऐसा दे और परमेश्वर तैयार आप लोग तैयार होना है कर्तव्य कार्य परमेश्वर के कार्य पर ध्यान से रहना और वो उठाकर फैला के दिया और जो है कि गरीबों को दिया அறிவிக்கணும் யோசி யோசி கொஞ்சம் கொடுத்தான்னு கேளுதுல தியாக நீ அறிவிக்கும்னாலே வாரி இறைத்தான் लिखा गया அவனுடைய நீதி என்றென்றைக்கு நிற்கும் என்று எழுதியிருக்கிற காரணம் என்னன்னா கியா காரணம் விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் ஜோ போனே வாலோக்கு பீஜ் புசிக்கிறவருக்கு ஆகாரத்தையும் அளிக்கிறவர் போஜன் கேலிய ரோட்டி தேனே வாலா பரமேஸ்வர் நமக்கு வேலையும் தந்து சம்பளத்தையும் தருகிற அவர் और अपने को खाना और तनख्वाह और जो काम देने पर देवन हमारा पालन पोषण करने वाला तुम्हें बीज देता है अरे पन्नी उसको बढ़त देकर नीदिन विलचले वर्ती के चैवार बलवंत करेगा और उसको धर्मी के फलों को बढ़ाएगा करके लिखा है देव बोले नंदा का पुरिंदर को देखो आप परमेश्वर के लोग आप अच्छे से जाने जय बोलना एल्लावटिल में जय बोलना वेंडो जय पाना तो हरे करे पर जय पाना है एल्लावटिल में बेटी अड़े वेंडो सभी पर जीत पाना है परमेश्वर तुम्हारे मन पर बात करेगा कर्तर का मात्रम देने वाला जो है परमेश्वर के लिए दो इतने इतना आयरम सोत्र बलन कंडीपा वंदा इतनी सेवक जब मिलेंगे इतना जो है कि स्तुति दिया जाएगा तब उसकी आशीष बहुत बढ़त होगी वाल के नाम निनित पार करो हम जो जिंदगी को देखते चिन्ह संबल वांगी नड़तना इधर नड़ती और छोटे तनख्वा से चालू किए परमेश्वर चला रहा आज तक चला कर आ रहा है और मैं जो जवान था मुदिर वयदुम उल्लवनु मानेन मैं बुढ़ापन भी हो गया बुढ़ा नीतिमान कईविडப்பட்டதையும் धर्मी जो त्यागा जाया அவنده பிள்ளைகள் வந்து வேலை இல்ல சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லனு சொன்னதை நான் காணவில்லை என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது धर्मी के संतान काम के बिना रोटी के लिए तड़पता हुआ मैंने नहीं देखा करके நம்முடைய மனம் எவ்வாறு பெரிதாக இருக்கிறதோ हमारी जो मन कितनी बड़ी हुई है அவ்வளவு பெரிதான ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் इतनी बड़ी आशीष पा सकते हैं हालेलुया हालेलुया வெளிப்படுத்தல் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை நாம் இப்பொழுது வாசித்தோம் பிரகாசித் வாக்கிய 3:5 को हमने पढ़ा था ஜெயம் கொள்கிறவனோ ஜோ ஜீத் பாதா ஹே அவனுக்கு வெண் வஸ்திரம் தரிபிக்கப்படும் ஸ்வேஸ்த பவித்ர வஸ்திர தியாதா ஜீவ புஸ்தகத்திலே உண்டு பேரை கிறுக்கி போடாமல் ஜீவன் கே புஸ்தக் சே உஸ்கோ நாம் கோ மே நஹீ காட்டுங்கா என் பிதா முன்பாக உடைய தூதன் முன்பாக நான் அறிக்கிடுவேன் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது பிதா அவர் உஸ்கே ஸ்வர் தூதோ கே சாம்னே உஸ்கே நாம் கோ மே மான் லுங்கா கர் கா லிகா ஹே வெளிப்படுத்தல் மூன்றாம் அதிகாரம் 12வது வசனம் தேவாசீகலா பிரகாசித் வாக்கிய 3 हम देखते हैं कि 12 को पढ़े கரெக்டா வாசிக்கணுமா வேதத்துல நீங்க இந்த வசனத்துல இடையில விட கூடாது ஜெயம் கொள்கிற எவனோ ஜோ ஜெய பாதா ஹே அவனை என் தேவனுடைய ஆலயத்திலே தூணாக்குவேன் வோ பரமேஸ்வர் கே மந்திர் பே உஸ்கோ கம்பா கே சமான் பனாவா ஆதி நின்ற அவன் ஒரு காலம் நீங்குவதில்லை ஓர் உஸ்மே சே கபி வோ நா ஹட்டேகா என்னுடைய என் தேவனுடைய நாமத்தையும் மேரா பரமேஸ்வர் கா நாம என் தேவனால் பரலோகத்தில் இருந்து இறங்கிற புதிய ரசல் நாமத்தை அவன் மேல் எழுதுவேன் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது பரமேஸ்வர் கே நகர் அர்த்தாத் நய எருசலேம் கா நாம் ஜோ பரமேஸ்வர் கே பாஸ் சே ஸ்வர் சே உத்தராயேகா வோ நாம் மே லிகுங்கா இப்படிப்பட்ட ஆசோ நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த தர கே ஆசிஷ் பானா இந்த நாமம் நம் மீது எழுதப்பட வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது நாம் ஹம் பர் லிகா ஜானா ஹே மூன்றாம் அதிகாரம் 21வது வசனம் தேவாசீகலா நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவுடைய சிங்காசனத்திலே என் பிதாவுடைய சிங்காசனத்திலே அவரோடு கூட உட்கார்ந்தது போல அவரோடு கூட உட்கார்ந்தது போல ஜெயங்குளரன் எவனோ ஜெவங்கோ ஜெயங்குளரன் எவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோடு கூட உட்காரும்படி அருள் செய்வேன் ஆண்டவர் எப்படி சொல்லி இருக்கிறார் பாருங்க பரமேஸ்வரனே தேவ கிஸ் தர கா ஜெயம் கொள்ளுகிறவனை நான் என் பிதாவுடைய சிங்காசனத்தில் அவரோடு உட்கார்ந்து இருக்கிறது போல ஜெய பாதா ஹே மே மே அப்னே பிதா கே சாத் கேசா சிங்காசன் பர் பேட்டா யார் ஜெயம் கொள்ளுகிறார்களோ ஜோ ஜெய பாதா ஹே அவனு என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோட உட்காரும்படிக்கு அருள் செய்வேன் உஸ்கோ மேரே சிங்காசன் மே மேரே சாத் மே பிட்டாவா கர் கர் கா ஹே நாம் எங்க இருப்போம் ஹம் கா ஹோங்கே அவரோட அவரே சிங்காசனத்தில் நம்ம உட்கார வைப்பாரா உஸ்கே சிங்காசன் பே ஹம் உன்கே சாத் பேட்டेंगे அப்ப நாம வந்து எல்லாவற்றிலும் ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் சப் மே ஜீத் பானா ஹே கிறிஸ்து வாழ்க்கைன்பதே ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை என்று பார்க்கிறோம் और मसीहत जिंदगी एक जीत की जिंदगी है करके देखते संगीत 75:6 और भजन संहित हम देखते कि 75:6 पर लिखा है किलों मेरकिलों वनांतर से जयम वरादे और हम देखते कि बाएं और दाएं से और वहां से तुम्हारी जो है कि
जीत नहीं आती है जय वर्मा अपनी वरा और कहीं से भी जीत आएगा क्या वहीं से नहीं आएगा संगीत नूती रो तुंड रेंडिले और देखते हैं कि हम देखे कि 122 जो 121 दो पर लिखा है अब यंगरंदा नमक उत्ता से जय वरु कहां से जो है हमारी सहायता और जय वान तीन भूमि उंडा की कर्तर तिलने ना उत्ता से वरु स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर से सहायता आएगी नमक आशीर्वाद हम यंगरंद वरु आशीष कहां से आएगी वान तीन भूमि उंडा की और जो स्वर्ग और पृथ्वी बनाए हुए कर्तर तिलने वरु परमेश्वर से आएगी वाय तरंद तिलने वान तीन भूमि उंडा की और स्वर्ग और जो भूमि बनाए हुए कर्तर तिलने ना उत्ता से वरु और उस जो परमेश्वर से जो सहायता आएगी आदल तो नम गवन ध्यान रहना है நல்ல யோசித்து பாருங்க और जो अच्छे से सोच के देखो நான் ரொம்ப நேரம் அடிக்கடி ஆண்டவர் நன்றி செலுத்துறதுதான் मैं बहुत समय पर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं ஏதோ ஒரு வில்லேஜ்ல பிறந்தோம் मैं कोई गांव में पैदा हुआ நம்ம சின்ன கிராமத்துல வளர்ந்த அந்த விவரங்கள் எல்லாம் தெரியல எங்கும் போனது இல்ல ஆனா அப்படிப்பட்டவங்கள தான் நம்ம இருந்தோம் देखो हम छोटी से जो एक जो गांव से आए हमें ये सब चीज पता नहीं நம்ம இப்படி எல்லாம் இருந்த நம்ம हम ऐसा सब थे हम ஆண்டவர் கொண்டு வந்தார் परमेश्वर ले आया நம்மை रचितार उद्धार किया தேவனுடைய பிள்ளையாய் மாற்றினார் के संतान बनाया நமக்கு வேலை கொடுத்தார் காம் दिया इतने सारे लोगों को हमने काम करवाया परमेश्वर से उन्मेवार जो लिखा गया वचन के अनुसार ही होगी कोड़ंगल अपने उंगलकुम कोड़कपड़ो जो तभी तुम्हें दिया जाएगा नम आंडर पेरिया आंडवर हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर नम कोड़कर दा आमी की कुली की सरिंदुलु बड़ी नंदा अलंग मड़ीले कोट्टुवार गलंदी अलगा पटूल और हम जब देते हैं कि तो वो स्वर्ग के भंडार खोलकर वो अनगिनत की और से परमेश्वर वापस उसे लौटाते हैं उंगले लाने के रंबा उच्चा मागने ये सही रहा अरका कतर की स्तोत्र तुम में से बहुत लोग हर्षित से देते हो इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं उच्चा का मिला ना उच्चा का ते निंगल कूटी को लेंगे और जिसके पास हर्ष नहीं है वो हर्षित से तुम देना चाहते हो उच्चा का मणे दे उड़ेंगे आज ही वो हर्ष पालो इंदे ले ना वाल ना मुलो देंगे आशीर्वाद पे चुकलो लाए तनी रख के लेकर तुम्हारे जिंदगी तक तुम आशीष पाते रहना इंदे आशीर्वाद तुम कुरंदी वही उड़ा कूड़ा आशीष में कमी नहीं होना आंदोर एप्पो में निरेवागतन वही तेरे परमेश्वर हमेशा भरपूर जैसा है वैसा दो उत्साह हर्षित से देने वाले पर परमेश्वर प्रिय रहता है देवन उंगले प्रिय आशीर्वाद उयर्त्तुवार परमेश्वर प्रिय होता है तो कितना भी आशीष करता है अरुमियान देवंडे जनमे प्रिय परमेश्वर नाम जय क्रिस्तु वाक्यले जय गुंडवला परमेश्वर के जो है जिंदगी पर जीत पाना है नम जब प्रार्थना में आरण की वर्गा आराधना में आने में आरण कल देवने आराधना में आकर गीत गाने में देवने तुदिकरदा परमेश्वर को दंडवत देवने ऊलियंगले पंगु बरदा परमेश्वर को देने में सभी कटरदा परमेश्वर की भवन मानने में यदि उत्साह में काना पड़ता जो कार्य पर हर्षित हो अवगल देवनाय कर्तर प्रिय उन पर परमेश्वर प्रिय होता है आंडवर प्रिय परमेश्वर तुम पर प्रिय हो तो उनके हमारे जिंदगी पर जो कमी की कोई चांस ही नहीं आशीर्वाद आशीष आएगा तुम बस बोलोगे तो भी नहीं रुकेगा बस करोगे तो भी नहीं रुकेगा इसलिए दिन बंदम और हम घर पे सोचते कि बस अभी इतना है कि ये खाने के लिए इतना ही रहना घर पे हमें पता नहीं और आ जाता है चलो अभी ये नहीं खाना बस काफी और भी लोग आते बोलते आइए आपके लिए ले आए ले चलो ये कभी कमी नहीं होती नम्मे मनमो अपनी पटा हमारे हृदय भी मन भी इसी तरह करो
परमेश्वर के लिए ऊंचा उठकर प्रकाश वान कर्तर उत्साह स्वर्ग और पृथ्वी बनाए परमेश्वर से हमारे लिए सहायता है। अधिकारम 31 वचन और हम देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि नीतिमणि 21:31 नीति वचन हम 21:31 पर देखते हैं। और यहाँ पर ये लिखा गया है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा से मिलती है। नम्रे वाल के ओवर कार्य जय नम्रे कर्तराल वरुम हमारे जो जिंदगी पर एक एक कार्य पर जीत परमेश्वर से आती है। नम्रे पढ़ी पर वेले कल्याण का एंत कार्य मरंदालुम सरी हमारी पढ़ाई हो हमारी काम हो हमारी शादी हो जो भी हो जय नम्रे कर्तराल वरो जय परमेश्वर से विश्वास विश्वास करना है हरि के वेंडो और कबूलत जेबी के वेंडो प्रार्थना करना है अपन हम कार्य वाईकम तब वो कार्य पूरा होगा। मैं कार्य वाईकम ने इनसे ये वेंडो वो कार्य होना है तो क्या करना है तुम मेरे को आलोचना विरुद्ध उड़ा वेंडो और जो दुष्ट के जो जो है कि वो आलोचना से दूर भागना है पागले वाली नृत्य कोड़ा है पापियों के जो रास्ते पर नहीं चलना है ऐसा करो उकारा कोड़ा और जो है ठट्टा उड़ाते उनके रास्ते पर नहीं बैठना है थोड़ा बड़ा और वो सब हटा देना है अधिक पर कर्तर वेतल प्रिय मारकणो और उसके वचन पर हम प्रिय रहना है इरो मगलन ध्यान इकणो और दिन रात ध्यान करना है इपड़ी जंजिटाले पोदो ऐसा कर लेंगे तो काफी है निकल बोलो नरपट्टा सेलित मरते पोले इरपा के समान जो बहती नालियों के किनारे पर लगाया है धूप आए वो हमेशा हरी भरी रहती है और फल देते रहती है आवन से वाईकुम वो जो करता है वो हम देखते कि उसे वो सफल करता है पर नाम से वाईकाम हम जो बहुत सारे कार्य करते उसमें हमारे सफलता मिलती नहीं है वासी वचन को सही से पढ़ते नहीं है नेसिकिरद इल्ले उसको सही से प्रिय नहीं है वेद वचनले कई कोळ्ळुगिरद इल्ले वचन को मानकर चलते नहीं है कर्ता एलिय वेतिरुगिरार परमेश्वर ने लिखा है என்ன என்ன நீ என்ன என்ன செய்யணும் வேதத்தில் எழுதி நம்ம எல்லாரும் நன்றாக தெரியவும் செய்யும் हमें सब पता है परमेश्वर ने देखो सब जा क्या चाहिए सब लिख के रखा है सब कुछ स्पष्ट रीति से நிறைவாக பெற்றுக்கொள்ளிறது நம்ம மனமே முதல்ல நிறைவாக மாற வேண்டும் भरपूरी से पाने के लिए हमारे मन भरपूरी होना है நம்ம மனம் நம்ம ஒரு பெரிய மனம் இருந்தா பெரிய காரியத்தை செய்ய முடியும் बड़ा मन है तो बड़ा कार्य करेंगे நம்ம மனதை சின்ன மனமா சுருக்கிட்டோம்னா சுருங்கி போற காஞ்சி போறோம் मन छोटा है तो छोटा होगा அங்கிருந்து எந்த பலனும் வராது कोई फिर फल नहीं होगी उत्साह देवना कर्तर प्रिय हर्षित से देता है परमेश्वर उस पर प्रिय है उंगले अगर आपको समय देना वाला उंगले आशीगले आपकी जो है कि आपको संपत्ति उंगले जीवन ऊलियत का कुड़करा आपकी जो जीवन तुम्हें जो जो तुम परमेश्वर के लिए देते उत्साह देवना कर्तर उंगले प्रिय और हर्षित से दोगे तो हर्षित से परमेश्वर तुम पर प्रिय है करके देखते हैं पैनंद और हम देखते कि सब कुछ जीत पा सकते करके देखते हैं नम्रे कर्तरा येसु क्रिस्तु विनाले और यीशु मसीह के द्वारा नमक जयं कोडुगिर देवनुक्कु स्तोत्रम एंदु एळुदप्पट्टुल्लदु अल्लेले जीत देने वाला परमेश्वर के लिए धन्यवाद करके हालेलुया कर्तरा येसु तो नमक जयं कोडुगिर अप्पा एल्ला कार्यत्तिलुम जयं दा उंडु हर एक कार्य पर जीत होगी अर्थम अगर कहीं पर हार आती है तो हम परमेश्वर के प्रिय नहीं चले देवना जय मगर अगर वो हार आएगी तो भी उसको परमेश्वर जीत के समान बदले रोमर 8:37 देवासी रोमियो 8:27 को पढ़े 37 को पढ़े इन सब बातों में नाम नम्मिल अन्बु कूरुगिर नम्मुडे कर्तराय येसु क्रिस्तुविनाले पर प्रेम किया हुआ परमेश्वर मुट्टुम जयंगुलुल्ल इरुक्किरोमे एंड एळुदप्पट्टुल्ल देवन से भी बढ़कर है घर का लिखा गया है अब नाम मुट्टुम जयंगुलुल्ल मुडियुम पूरा जय पा सकते नम्रतल अन्बु नम्मुडे कर्तराय येसु क्रिस्तुविनाले मुट्टुम जयंगुलुल्ल इरुक्किरोमे जो हम पर जो सभी बातों से हमारे प्रेम करने वाला परमेश्वर के द्वारा हम सब कार्यों पर जय बन पाएंगे। चार पर लिखा है पिल्लेगले ए बच्चो निंगल देवनाल उंडा इरुंदे अवर्गले पिसाजने के जयितीर्गे और बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाया नी एल्लावटी जयितीर्गे सब पर जय पाया देवनाल उंडा इरुंदे जयितीर्गे परमेश्वर के द्वारा होकर तुमने जीत
क्योंकि तुम में जो है वो जो संसार में है उससे बड़ा है हमारे अंदर जो परमेश्वर है वो बड़ा है எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்க கிருபை தருவார் सबको जीत के लिए सामर्थ्य देगा நம்ம அதற்கு ஒப்பு கொடுக்காமல் उसको हम अपने आप को सौंपते नहीं है பிசாசன் கையில் நம்ம ஒப்பு கொடுத்து விட்டால் சாத்தான் கே ஆத்மாக जब सौंपेंगे நாம் ஜெயித்து பெற முடியாது ஜெய நீ பாएंगे ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் பரமேஸ்வர் கே நீங்கள் தேவனால் பிள்ளைகளே தேவனால் உண்டாயிருந்து और तुम परमेश्वर के द्वारा हो அவர்களை ஜெயித்தீர்கள் तुम जीत पाए ये உலகத்தில் உண்டாயிருக்கிறவனை பார்க்கலாம் பிசாசை பார்க்கலாம் பிசாசின் கையில் பார்க்கலாம் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் என்று எழுதப்பட்டு दुनिया में रहने वाला जो है उससे बढ़कर तुम्हारा पिता परमेश्वर है अरे मैंने देवंडे जन्मे प्रिय परमेश्वर विश्वास नम विश्वास विश्वास पर लगा रहना है अंत तक विश्वास पर स्थिर रहना अरे खिड़की को खोलकर यरूशलेम की ओर से वो प्रार्थना करता जब केवल प्रार्थना नहीं அவர்கள் வந்து உண்மையுள்ளவர்களாக காணப்பட்டார்கள் சச்சை से थे वो எங்க வேலை செய்தவர்கள் அங்க உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் काम करते थे वहां पर सच्चाई எந்த நீதி கேடும் செய்தது இல்லை कहीं पे भी अधर्म किया ஆண்டவருக்கு முன்பாக உண்மையா இருந்தார் परमेश्वर के सामने जो है कि सच्चाई ஆனா சிங்க கேவிலே தூக்கி போட்டாலோ और सिंह के गुफा में डालाला எல்லா சிங்கங்களின் வாய்களையும் தேவதூதர் கொண்டு ஆண்டவர் கட்டி விட்டார் सभी सिंहों के जो है मुंह को परमेश्वर ने बांध दिया நீங்க ஒவ்வொரு கர்த்தருக்கு பிரியமாய் உண்மையாய் ஜீவித்தார் एक एक लोग परमेश्वर के भय मानकर सच्चाई से जिए உங்களுக்கு எந்த நஷ்டமும் வராமல் உங்களுக்கு தேவனாய் கர்த்தர் நிச்சயமாக உங்களை பாதுகாப்பார் நீங்க कोई भी नष्ट नहीं होगी निश्चय परमेश्वर तुम्हें बचाएगा हां நீங்கள் தேவனிடத்தில் உண்மையுள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் तुम परमेश्वर के पास सच्चाई रीति से रहना है இப்போ உங்களுக்கு இதயத்தில் எதையெதில் நான் குறைபட்டிருக்கிறேன் तुम्हारे हृदय पर है क्या-क्या चीजों पर मैं कमी पाया हूं ஆண்டவரே குறைபட்டிருக்கிறேன் மன்னிச்சிருந்தால் ஆண்டவர் மன்னிக்கிறவர் எந்த குறைவை நீங்க நிறைவே மாற்றினா உங்களுக்கு நிறைவே உண்டாகும் और देखो परमेश्वर मुझे माफ कर दे तो परमेश्वर माफ करेगा क्या कोई भी कमी है उसको पूरा करेगा तो तुम्हें माफ हो சோதனைகளை ஜெயிக்க ஆண்டவர் நமக்கு கிருபைகளை கொடுத்திருக்கிறார் और हम देखते हैं कि परीक्षा को जीतने के लिए परमेश्वर ने कृपा दी है நமக்கு எல்லாருக்கும் நன்றாக தெரியும் हमें सबको पता है நமக்கு எவ்வளவு சோதனைகள் இங்கே இருக்கிறது என்பது यहां कितनी जो है अपने लिए परीक्षा करके हमें पता है தெரியுமா தெரியாதா हमें पता है या नहीं எங்க இருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம் कहां है पे बताओ अरे हालेलुया हालेलुया विक्टोरिया சகோதர கே हालेलुया हालेलुया கரெக்ட்டா சொன்னா எபேசியர் 6 அதிகாரத்துல இருக்கிறது எபேசியோ 6வது அதிகாய பர் ஹே 10வது வசனம் இருந்து பார்க்கின்ற பொழுது ஓ 10வது வசன பர் ஹே கடைசியாக என் சகோதர கடைசியாக என் பிள்ளைகளே ஓ ஹே மேரே பாபா மேரே பச்சு கர்த்தருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது பிரபுவே ஒரு ஸ்கி சக்தி கே பிரபாவ மே பலவந்த் ஹோ ஆ நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோட எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படி கே சாத் ஹத்தியார் பாந்தோ ஷைத்தான் கி யுக்தியோ கே சாம்னே கடா ரக்கோ ஆ தேவுடைய சர்வாயுத வர்க்கங்களை தரித்து கொள்ளுங்கள் பரமேஸ்வர் கே சாரே ஹத்தியார் को बांध लो ये नील पुनः स्टार्ट आदि क्योंकि लिखा गया है ये इतने तने पोराटम वरो और कितनी तरह की जो लड़ाई है मांस तोड़ो रक्त तोड़ मल्ल मल्युद्ध लहू के और मांस से नहीं मांस तोड़ मांस मान युद्ध उंडे और ये मल्युद्ध है लहू और मांस से नहीं रक्त तोड़ उंडे और जो रक्त है उनके साथ तुरैतनंगलोडो और परंतु प्रधानों से अधिकारंगलोडो अधिकारियों प्रपंच अंधकार लोकाधिपति संसार के अंधकार के हाकिमों के साथ मंडल पुल्लाद आविल सैनिकोड़ नमक போராட்டம் உண்டு दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है அப்ப இந்த போராட்டத்துல ஒண்ணுமில்லாம பெறுவோமா और क्या ये संघर्ष में क्या हम ऐसी गिर पड़ेंगे இல்லடி மேல இத்தனையில ஜெயம் பெறுவோம் ये सब पर जीत पाएंगे அந்த வசந்த பார்த்தால் दूसरा वचन देखिए तिंगनाले அவங்களை எதிர்த்து நிற்கவும் इसलिए बुरे दिन पर तुम उनके सामना कर सको சகலத்தின் செய்து முடித்தவர்களாய் நீங்கள் நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்களாகும்படி सब कुछ पूरा करके स्थिर रहने के लिए தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை நீங்கள் தரித்து கொள்ளுங்கள் परमेश्वर के साथ के हथियार बांध लो தேவனுடைய சத்தியம் உங்களிடத்திலே இருக்க வேண்டும் परमेश्वर का सत्य रहना है நீதி என்கிற மார்க்கவசத்தை நீதி தேவனுடைய நீதி உங்களிடத்திலே இருக்க வேண்டும் தர்மிகா की ஜீலம் को पहनना है சபதாத்ர சுவிசேஷம் சொல்லுது और जो शांति करने वाला सुसमाचार लेके जाने वाले तुम्हारे पाव है विश्वासम पिशाच से ये इतना अज्ञासम अभी तुम्हारे विश्वास के साथ विश्वास की ढाल लेकर चलना है
जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको. नान रचिक पट्टिरुक्किरेन रचिपने एप्पोदु योसिते देवनुक्कु विरोधमा एंद पावत्ति नाम सेय्दु विडकूडाद. उद्धार पाया हूं उसे उसके लिए मैं परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी पाप नहीं करना है. ओर पोर वीरन बोले इवळ एल्लावते अनिंदु कोंडे और एक शूर वीर के समान सब कुछ ये पहन कर अवनदर तुप्पाकिलनु वैत्तुकोल्लुवा. उसके पास समझो गन नहीं है. शूज पोट्टा जी मार्को समाटिया जी एल्ला माटिया जी तुप्पाकिलनु जेत्तु पोयिरुवा. अवन अडुत्त एदिरि मुन्न सुट्टी बिल तिरवा. अगर देखो उसके पास सब शूज है सब कुछ है बंदूक नहीं है तो वो सामने वाला आकर उसे मार कर चला जाएगा. देव वचन मागे आविन पट्टय तेम एडुत्तुकोल्लुंगे. परमेश्वर के वचन जो है जो आत्मा की तलवार वो उठाकर चलो. देव वचन मागे आविन पट्टय परमेश्वर की वचन जो आत्मा की तलवार. यीशु मसीह एपड़ी जयितार. यीशु मसीह कैसा जीता. पिशाच शोधने से वसनते कोंडु इपड़ी एलुदिरुक्किरे एंदु सोल्ली तान जयितार. और जो उनको जो शैतान को किस तरह जीता इस तरह लिखा है वचन में कहकर वचन से जीता. अनुपड़े अरुमेन देवंडे पिल्लेगले. इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोग जयम कोलुगिरवन एल्लावट्टियुम सुंदरित्तु कोल्लुवान. और जो जीत पाने वाला सब कुछ हासिल करेगा. नाम नम अवर्गल नाम एल्लावट्टियुम सुंदरित्तु कोल्ल वेंडुम. हम ही बोलोगे हमको हमको सब पर जय पाना है. देवंडे एल्लावट्टियुम सुंदरित्तु कोल्ल वेंडुम. सब कुछ जीत पाना है. नाम देवन नम्मुडे देवनाय इरुपार. परमेश्वर हमारा परमेश्वर. नाम अवरुडे कुमारर्गलाय कुमारत्तिगलाय इरुपो. हम उनके जो पुत्र संतान होंगे. इपड़ी जयितोम आनाल ऐसा जीतेंगे. हां परदेश मध्य जीव वृक्षத்தின்கனி நமக்கு போஷிக்க கொடுக்கப்படும். स्वर्ग के जो वहां पे है कि जो आत्मा की वृक्ष के फल को खाने मिलेगा. இப்படி ஜெயம் கொள்ளும்போது இரண்டாவது மரணத்தில் நாம் பங்கடைய மாட்டோம். நாம் பரலோகத்தில் ஆண்டவரோடு மகிழ்ச்சியாய் காணப்படுவோம். और जो है कि जब जीत पाएंगे तो दूसरे मृत्यु में हमें कोई हानि नहीं पहुंचेगी. ஆண்டவர் நமக்கு மறைவான மன்னாவை புசிக்க கொடுப்பார். गुप्त मन्ना परमेश्वर देगा. हां வெண்மையான குறிக்கல்லை கொடுத்து அதில் எழுதியிருக்க நமக்கு மாத்திரம்தான் படிக்கதுன்னு அப்படி நம்மை மாற்றுவார். सफेद श्वेत पत्र पत्र जिस पर नाम लिखा जाएगा केवल वो नाम हम ही पढ़ सकते हैं. नाम नम्मीदार एलुदुवार. नया नाम देगा. हां पिताவினிலே அவர் எப்படி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பிதாவில அதிகாரம் பெற்றாரோ ऐसे पिता परमेश्वर ने अधिकार पाया है. நாம் ஜெயிக்கின்றபொழுது நமக்கு அப்படிப்பட்ட அதிகாரத்தை அவர் தருவார். அவர் भी उसे जाति जाति पर हमें अधिकार देगा. நாம் ஜெயம் கொண்டு பரலோகத்து கடந்து செல்கின்றபொழுது சர்வ 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 செல்லेंगे. நமக்கு வெண் வஸ்திரம் தரிப்பிக்கப்படும். கிறிஸ்து जो वस्त्र पहनाया जाएगा. ஜீவ பசுனுடைய பேர் கிறுக்கப்படாமல் அதை மேல் மேலும் ஆசீர்வதித்து உயர்த்துவார் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ்து हमारे नाम को वो न काटेगा और भी और दूतों के सामने हमारे नाम को मानेगा. इनको मैंने उद्धार किया. उद्धार पाने के दिन से लेकर परमेश्वर के प्रिय जी रहे. कार्य कर्तर का उदय उसे परमेश्वर के लिए किया. इन्होंने इसके लिए मेहनत उठाए परिश्रम उठाए ये परमेश्वर ये इस तरह के आशीष पाएंगे. अपनी जय देवे आलते तूणा माटवार. वैसा जीत पाएंगे तो परमेश्वर के भवन में खंबे के समान मनाएगा. अंगे तूणा गिरक वेंडुमानाल वहां खंबा के समान रहना. इपवे अंगे कर्तरुडैय आलयत्तुक्कु ओरु तूणाय निन्று कर्तरुडैय पणिविडैयिले पंगु पेर वेंडुम. यहां पर एक कलिशा के भवन पर एक खंबे के समान रहकर यहां के जो काम में परमेश्वर के लिए के हम काम करना है. अवन ओरु काल मदिलिरुंदु नींगुवदिल्लै என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. कभी वहां से नहीं हटेगा अगर कलिका है. हां நம்முடைய தேவனே நாமத்தை அன்மீத எழுதுவார். और उसके नाम को उस पर लिखेगा. हां புதியரசிலம் சபை ஆண்டவர் புதியரசிலம் நம்ம சபைக்கு பெயர் வைத்திருக்கிறார். புதியரசிலம் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வரக்கூடிய அந்த நாமத்தை நம்ம और देखो यहाँ पर जो नया अरसलेम जो नाम है जो जो कलिशा जो स्वर्ग से उतरने वाला है वो नाम लिखेगा. मुड़िवा नम्मुडैय इयेसु क्रिस्तु पिदावुंडैय सिंहासनत्तिल उक्कार्ंदिरुक्किरदु पोल. और अंत में अपना जो यीशु मसीह जैसा सिंहासन पे बैठा है. एन्नुडैय सिंहासनत्तिल उंगलै उक्कार वैत्तु अलगु पार्पेन् एंड्रु सोल्लुगिरार. मेरे सिंहासन पे तुम्हें बिठा कर मैं तुम्हें देखूंगा कर कर परमेश्वर कहता है. नम्म पिल्लैगल सिरिच्चिट्टु ओडि वंदु तूक्कि नम्म ओरु चेर्ल वच्चि अलगु पार्क्कुमा इल्लैया. और देखो हमारे बच्चे दौड़ कर आए तो हम उसे उठाकर चेयर पर बिठाते या नहीं. नम्म ओरु आफीसिल इरुंदु नम्म पिल्लै ओडि वंदना अप्पा चेयर उकांद पारडा अप्पा ऑफिसर इरुक्कान उकांद पार उकांदन पालग पाक्कमा इल्लैया. और देखो अगर हम ऑफिस में तो हम बोलेंगे नहीं तू अपने पिता के जो सीट पर बैठ के देख कर कर अलग पाक्कमा इल्लैया. हम करते क्या नहीं. ये ऑफिस फैमिली का रूम अंद अंद कुर्सी उकांद पाक्क उंगलुक्कु आसैया इरुक्कुम. और देखो मेरे जो बच्चे जब आते ऑफिस में तो उनको वो सीट पर बैठने के लिए उनको अच्छा लगता है. अप्पा नम्मुडे आंद्रो आसा पडुगिरार. हमारा परमेश्वर भी चाहता है. नी एनक्कु अन्बानवन. तू ये मेरे प्रिय एन्नुडे पिल्लै मेरा संतान. नान उन्ने एन्नुडे सिंहासनत्तिल उक्कारत्तै अलग पार्क्किरेन. मेरे सिंहासन पर बिठा कर मैं तुझे देखूंगा. जीत पाएंगे नाम से जीतेंगे. जो जो है ताकत और सामर्थ्य जीत कर सब कुछ पाएंगे. परमेश्वर हमारा परमेश्वर. नाम कुमार कुमार हम उनके संतान होंगे. अपने वैसे होंगे वसन बड़ी केट उपट नाम और वचन को जो सुने हुए
और जो सुन पाए हुए हम आवियन उम्रते பேசுகிறது போல நீங்க இப்பத்திலே நீங்கள் நடக்க ஆரம்பித்து விடுங்க जैसा पवित्र आत्मा तुमसे बात करता है वैसे अभी से ही चलना चालू करो आवियन उम्रते எல்லாரும் உள்ளத்திலும் பேசி இருக்கிறார் और आज पवित्र आत्मा सबके हृदय पर बात किया है அதை நீங்கள் மட்டு தட்டி ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கி விடாதீங்க दबा कर उसे बंद मत करो கர்த்தர் ஏவுகிறதே கண் மூடி கொண்டு நீங்கள் அப்படி செய்து விட வேண்டியது அவசியம் ஈஸ்வர் जो तुम्हें सब बताता है उसके अनुसार करना जरूरत है उनके பிரியமுள்ள பாவங்களை உடனே அறிக்கை விட்டு விட வேண்டியது அவசியம் மனுஷக்கு நா பிரிய காரிய को पाप के कबूलत करके छोड़ना आवश्यक और परिशुद्ध रखो नाम परिशुद्ध रखना पड़ा वेंटा है उसके साथ हम भी पवित्रता रहना है अरे देवन विरुंबगरा वो परमेश्वर चाहता है देवन में आशीर्वाद पर आ गए और आशीष करेगा इन द कुरेम लमल आशीर्वाद पर आ गए कोई भी कमी ना हो जाए संपूर्णमय आशीर्वाद पर आ गए पूरी आशीष करेगा हालेलुया 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 कर्तर ने वार्ता के लिए आशीर्वाद पर आ गए परमेश्वर वचन को आशीष करे।